मैं आपको बताऊं कि जब मैं बॉम्बे आया तो महबूब खान अल्लाह को प्यारे हो चुके थे, और महबूब खान ने बड़ी ज़बरदस्त फिल्में दी थी, ज़बरदस्त सोशल मैसेजेस फिल्में, राइट फ्रॉम नजमा एंड हुमायूं टू मदर इंडिया, बड़े कमाल की फिल्में बनाई। उस वक्त एक और भी तरीका था, वो ये था कि जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा ताल्लुक़ चूँकि गानों से ज़्यादा रहा, कि जब गाना तैयार होता था तो दो ही सूरतें हैं, या तो गाना पहले लिख दिया जाता था और कंपोज़र उसकी धुन बनाता था, और कभी कभी बल्कि ज़्यादातर ऐसा होता था कि कंपोज़र एक धुन देता था और उस धुन पर शायर गाना लिखता था। तो उसके बाद जब वो गाना तैयार हो जाता था तो जो सिंगर प्लेबैक सिंगर उसे जिसको गाना होता था वो आता था और या आती थी, और कई दिन तक उस गाने की एक एक लाइन और एक एक वर्ड को रिहर्स करती थी। उसका रिहर्सल होता था, बड़ा शदीद रिहर्सल, और उसके बाद जब रिहर्सल बिल्कुल परफेक्ट हो जाता था तब गाने की टेकिंग होती थी। गाने की टेकिंग भी होती थी इस तरीके से कि सिंगर अपने कैबिन में खड़ा है, एक बड़ा हॉल है जिसमें म्यूजिशियन बैठे हैं, अरेंजर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, साउंड रिकॉर्डिस्ट है, लिरिसिस्ट भी मौजूद है, और उसके बाद वो ऑर्केस्ट्रा शुरू होता था, फिर वो अरेंजर इशारा करता था और गाने वाला जहाँ से उसको शामिल होना है वहाँ से शामिल होता था। सब में एक बड़ा ह्यूमन टच था, मजाक भी होते थे, किसी ने वायलिन गलत बता दिया बजा दिया और म्यूज़िक डायरेक्टर खफा हुआ, और कुछ किसी ने उस पर फप्ती कसी, कुछ हंसी मजाक हुआ। किशोर कुमार साहब आए, वो तो यूं ही सबको गाते कम थे, हंसाते ज़्यादा थे, तो बड़ा ह्यूमन टच होता था। लेकिन वाकई कैसे किसी ख़ानदान के लोग एक जगह इकट्ठा होकर कोई काम कर रहे हैं। अब टेक्निक ऐसी हो गई है कि अगर आप थोड़ा सा बेसुरे भी हो जाएं सिंगर तो मशीन उसको ठीक कर देती है, सुर में ले आती, और लेकिन वो ह्यूमन टच गायब हो गया, क्योंकि जब सिंगर गाना गा रहा होता है तो वो अकेला होता है, म्यूजिशियंस पहले उनके ट्रैक रिकॉर्ड हो चुके होते थे, वो हेडफोन लगाता है, ट्रैक सुनता है अपनी, तो उसकी वजह से वो एक्सप्रेशन जो होना था वो एक्सप्रेशन आज आपको नहीं मिल पाएगा। एक्सप्रेशन आज आपको वो इसलिए नहीं मिल पाएगा कि सामने कोई है ही नहीं, हम तो एक वैक्यूम में गा रहे हैं, उस वैक्यूम में हम बिल्कुल मैकेनिकल हो गए, ह्यूमन टच। अब ये है कि ये सब तो साइंटिफिक तरक्की है और उनसे इनको रोका नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी वजह से जहाँ फ़ायदे बहुत हुए हैं, मसलन साउंड सिस्टम का जो आज कमाल है, हर चीज़, हर एक ज़रा ज़रा सी सांस की आवाज़ अलग ट्रैक पे ली जा सकती, सैकड़ों ट्रैक्स हैं, पहले तो एक ही मोनो ट्रैक होता था जिस पर साज भी होते थे और आवाज़ भी होती थी, वो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता था। अब आप जिस चीज़ को चाहें अलग कर दें, जिस चीज़ को चाहें कम कर दें, जिस चीज़ को चाहें ऐड कर दें, मगर वो ह्यूमन टच निकल गया है, तो गानों में वो फीलिंग, वो एक्सप्रेशन मिस हो रही है कहीं। और उसकी वजह एक तो ये है कि खुद लिरिक्स में वो जोर नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था, साहिर और शैलेंद्र और इन तमाम लोगों के गानों में, और उसके अलावा ये भी है कि वो चीज़ें मैकेनिकल ज़्यादा हो गई, ह्यूमन टच उसमें कम हो गया है। तो मैंने वो दौर देखा है कि जब गाने की रिकॉर्डिंग होती थी कोई, तो जैसे कोई त्यौहार होता, जश्न कोई होता, और गाना रिकॉर्ड होता था तो लिरिसिस्ट कई दिन तक तो उसकी गर्दन सीधी ही नहीं हो पाती थी कि उसका गाना रिकॉर्ड हुआ है, और उसमें उसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो अपनी जगह पे है, लेकिन एक एक जो जॉब सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं, एक अचीवमेंट का सेंस, क्या हमने कोई गाना लिखा है,
वो गाना की लोग पूछेंगे कि ये गाना किसने लिखा है। मैं समझता हूँ कि गाने लिखने वाले की सबसे बड़ी पहचान या सबसे बड़ी जीत ये होती है कि आप अगर किसी का गाना सुने और सुनकर ये ना पूछें कि ये गाना किसने लिखा, तो मैं समझता हूँ गाने वाले ने का कोई मसरफ ही नहीं। लेकिन अगर कोई गाना सुनकर आप ये पूछें कि ये गाना किसने लिखा है, तो गाना लिखने वाले को एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, एक जॉब सेटिस्फैक्शन होता है कि उसने कुछ किया जो रिकॉग्नाइज किया गया, जो लोगों ने जिसे महसूस किया, वो थोड़ा थोड़ा क्या काफ़ी कम हो गया। अब कोई गाना सुनकर आपको ये पूछने का दिल नहीं चाहता कि ये किसने लिखा। दूसरी ये कि पहले गाने पहचाने जाते थे, आप शंकर जयकिशन के गाने का शुरू हुआ और जैसे ही म्यूजिकल इंट्रोड्यूड आया आप समझ गए कि ये शंकर जयकिशन का गाना, सबकी अपनी अलग अलग पहचान थी। आप रफ़ी साहब का नाम लीजिए तो इस वक्त भी, हालांकि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने रफ़ी साहब का ज़माना देखा भी नहीं होगा, लेकिन अगर आज आपसे भी पूछा जाए के सामने मोहम्मद रफ़ी का नाम लिया जाए तो 50 गाने आपके जहन में आ जाएंगे। आपसे मुकेश का नाम लिया जाए, आपसे किशोर का नाम लिया जाए, आपसे मंडडे का नाम लिया जाए आपके सामने, तो आपके सामने 50 गाने आ जाएंगे उनके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी के गाना, किसी का मैं नाम लूँ सिंगर का और आपको एकदम से उसके कई गाने याद आ जाए। उसमें गाने वाले का कसूर बिल्कुल नहीं है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी, उसने अपनी तरफ भरपूर कोशिश की। ओवरऑल गाना अपने उस इफ़ेक्ट से महरूम हो गया है कि जो पहले हुआ करता था, और उसकी बहुत सारी वजह, क्या क्या वजह हैं आप भी जानते हैं, मैं नहीं समझता कि मुझे उसके लिए एक्सप्लेन करना चाहिए कुछ। Thank you.